नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेया और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में वैसे पूजा सिंघल का मामला तो काफी गर्म है। हर दिन ईडी नए नए खुलासे किए जा रहा है। इसके साथ ही हर दिन अलग अलग पदाधिकारियों को तलब की जा रही है, लेकिन जब भी तलब होती है तो किसी पदाधिकारी के पेट में दर्द हो जाता है, तो कभी किसी की बेटी की शादी आ जाती है। ऐसे कई कारण की वजह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन खनन विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं आशा लकड़ा और मुकेश कुमार के बीच का विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम भी कम कर दिया। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्ल शाहदेव। सरकार के कार्यकाल में ऐसे नारे क्यों सुनने को मिल रहे हैं? हमारी भी सरकार 5 वर्षों तक थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो देश के खिलाफ ऐसे नारों को लगाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब खुद कहते हैं कि जय श्री राम का नारा सुनकर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो शायद फिक्र परस्तों को इससे बुलंदी मिलती है। और इससे पहले भी गिरिडीह में मुखिया के नॉमिनेशन में प्रत्याशी के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और पुलिस उस वक्त मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और उसके बाद जब बीजेपी ने प्रेशर डाला तब जाकर कार्रवाई हुई। और आप मौजूदा केस में देखें तो इस बार भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। बरकट्ठा के कोरा थाने की ये मामला है और पुलिस 2 दिन तक सोई रही, 2 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जब हम लोगों ने कहा कि अगर आज रात एफआईआर नहीं हुआ, ये कयामत की रात है, तो कल हम घेराव करेंगे एसपी के ऑफिस का, तब जाके रातों रात एफआईआर हुआ। तो ऐसा लगता है कि देशद्रोही तत्वों को पता नहीं इस सरकार में अपनापन की फीलिंग क्यों होती है। जैसे हम जय श्री राम और वंदे मातरम एक साथ कहते हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जिंदाबाद एक साथ कहते दिख रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश है, या फिर इन्हें लगता है ऐसा नाम लेकर वो बच जाएंगे। जिस तरीके से खनन विवाद में भी एक के बाद एक नया चेहरा, एक के बाद एक नया और ज्यादा राज, अब सुनने वाला बांग्लादेश तक कॉन्टेक्ट था, इस तरह के नए नए चीजें निकलकर सामने आ रही, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग था जो ये इन्होंने कहा कि मनरेगा से जो जांच शुरू हुई वो खनन तक क्यों पहुंची। भाई, अगर कोई डकैती की सूचना मिलती है पुलिस को, कोई एफआईआर होता है डकैती पे, और पुलिस जाती है मौका वारदात पर और वहाँ वो देखती है खून के धब्बे हैं और कोई लाश मिलती है थोड़ी दूर पर जाकर, तो ये तफ्तीश सारा कुछ इस कह के ये नहीं रुक जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ डकैती का एफआईआर हुआ है, मर्डर का नहीं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में सबूत मिलता है, मामला आगे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं, माइनिंग रैकेट, मुझे लगता है हजारों करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति की लूट हुई है। डीएमओ को बुलाकर पूछताछ हो रही है, और मैंने कहा ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग था, अभी हाथी की पूंछ को सिर्फ पकड़ा गया है, हाथी बचा हुआ है। कौन है हाथी? हाथी से मेरा मतलब पूरा बड़ा करप्शन का वो कॉकस है जिसमें कर्मचारी से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक शामिल है। इसके साथ ही अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राज्यसभा जाने में बहुत अटकलें लगाई जा रही कि बीजेपी की तरफ से प्रवीण जाने को लेकर अपना हाथ पर मार रहे, क्या ये सच है? सूत्रों के हवाले से खबर। देखिए, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारे यहाँ बहुत सिस्टमेटिक होता है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं है जहाँ थैली शाह बड़े इंडस्ट्रीज आकर टिकट लेकर चले जाते हैं। वो आप मुक्तिनाथ उपाध्याय की बात करें, आर के आनंद की बात करें, या के डी सिंह की बात करें जो एल्केमिस्ट ग्रुप के चेयरमैन थे, सबको जेब में टिकट दिया था। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, पार्टी का एक बड़ा सिस्टम होता है, स्टेट इलेक्शन कमेटी जो नाम आ सामने आते हैं उन पर चर्चा करती है, फिर ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पर जाती है, उसके बाद मोहर लगती है, और हर एक कार्यकर्ता को अपने नाम का दावा पेश करने का हक है। हम कोई वंश कौन कौन जा सकता है, हम वंशवाद पे चलने वाली पार्टियाँ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि शिबू सोरेन के बाद शायद उन्हीं के परिवार का कोई सोरेन मुख्यमंत्री हो, हमारे यहाँ कोई भी किसी को भी टिकट मिल सकता है। ये फाइनल कॉल जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लेगा राज्य नेतृत्व के सलाह मशवरा पर। अच्छा, एक बात बताइए, ईडी के बुलावे पर बहुत सारे अधिकारी के, कभी किसी अधिकारी के पेट खराब हो जा रहे, कभी किसी की बेटी का शादी आ जा रहे, कभी कोई इस्तीफा दे दे रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, ये ईडी के मन, सॉरी माफ करिएगा, अधिकारियों के मन में जो निचले अधिकारी, उनके मन में जो इतना डर है, ये क्या दिखाता है? लगता है इनसे सबसे ज़्यादा सख्त से सख्त पूछताछ होनी चाहिए। देखिए, बेटी की शादी अगर पहले से तय थी तो वहाँ तक बात लॉजिक समझ में आती है, पर उसके बाद समय लेने का कोई कारण नहीं दिखता। मुझे लगता है ये सारे जो लोग हैं ना, वो सबूत नष्ट करने में लगे हुए हैं, या चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए देर हो रहा है, सबूत नष्ट हो रहा है, ये कह रहे हैं। नहीं, सबूत नष्ट कितना आप कर लेंगे? आप कहते हैं ना, आप कितना भी सबूत को नष्ट करें पर मौका वारदात पर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन्होंने जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं बैंक में, अब आप मैं लातेहार और पलामू का बताऊँ, वहाँ के डीएमओ एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक ही ज़िले के चार्ज में। लातेहार पलामू एरियाज में 4 बड़ी बड़ी पहाड़ियों का नामो निशान मिट गया। अब डीएमओ के करीबी एक शशि हैं, उनके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स की हम लोगों ने जांच की मांग की है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां फर्जी लोगों को खड़ा करके करोड़ों अरबों का न्यारा वाला हुआ है।
गांधी राजभवन है, वहाँ पे धरना स्थल है और राजभवन के समीप वॉशरूम का एक टंकी लगाया गया है जहाँ पे धरनाकारी जाते हैं। और आलम है कि वहाँ से पानी जो है, वॉशरूम का पानी, वो नीचे बह रहा है और पूरे रोड में आ रहा है और बहुत गंदगी फैला रहा है। इवन डाब वाले जो है वहाँ कह रहे बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ बैठना। राजभवन जो सेंटर है रांची का, वहाँ पर ऐसी स्थिति? देखिए, राजभवन इस पर खुद संज्ञान लेकर उन्होंने अगर कार्रवाई का भी निर्देश दिया तो ये रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का फर्ज बनता है। राजभवन को तो ये देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आरएमसी का काम है कि वो पूरे राज्य में, माफ़ कीजिएगा, पूरे जो कैपिटल सिटी है उसमें सफाई व्यवस्था कैसी हो, वो अगर नहीं देख पा रहा तो मुझे लगता है ये आरएमसी का कहीं ना कहीं फेलियर है। और ये सिर्फ आरएमसी नहीं, पूरी स्टेट गवर्नमेंट इज़ अ जोक, ये स्टेट गवर्नमेंट मजाक है और इसके जो विभिन्न अंग हैं वो आरएमसी हो, सारी चीज़ें मजाक हैं, यहाँ कोई काम नहीं करता। अभी आशा लकड़ा मैडम का कहना है कि मुकेश कुमार आईएएस है वो काम नहीं करने देते और वो कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, वो बीजेपी की है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, सवाल बीजेपी का नहीं है, वो इस शहर की पहली नागरिक हैं और पहली नागरिक होने के नाते उनके जो संवैधानिक दायित्व हैं, हम तो यही मानेंगे जो भी अधिकारी हैं उनको जो भी म्यूनिसिपल एक्ट के तहत, कानून के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उसका उनको पालन करने देना चाहिए। और अगर इनको लगता है कि अधिकारी पालन नहीं करने दे रहे हैं तो इन्हें उचित फोरम में शिकायत करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के आपसी खटपट के कारण अगर शहर की सफाई में व्यवधान होता है तो ये भी गैर उचित है। इसके साथ ही अभी होल्डिंग टैक्स और पानी टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ऐसा कहा जाता है जल ही जीवन है, जब पानी में इतना टैक्स होगा तो फिर और सब चीज़ की क्या उम्मीद की जाए। और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल का दाम भी घटा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या कहेंगे? आपको लगता है राज्य सरकार के अब गेंद जो है अब इनके पाले में आ गई है, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, जिस समय हमारी सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में तो हम लोगों ने वैट पे पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की अतिरिक्त छूट दी थी। इस सरकार ने पहला डिसीजन जो लिया था वो 2 रुपये की अतिरिक्त छूट को वापस लेने का लिया था और उसके बाद ये वैट बढ़ाते गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रधानमंत्री ने एक बार 10 रुपये कम की और इस बार फिर 9.5 रुपये और 7 रुपये कम किए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हमने एक्साइज ड्यूटी हटाया है, कम किया है, लेकिन इन्होंने अपने हिस्से के टैक्स में कटौती नहीं की, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी एक कदम लेंगे पेट्रोल डीजल में कटौती में वैट में, तो हम 2 कदम लेंगे। पर वो 2 कदम तो लेते दिख नहीं रहे। सिर्फ राजनीति के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जो होल्डिंग टैक्स और पानी के टैक्स पर ये वृद्धि कर रहे हैं तो ज़्यादा टैक्सेशन से ही रेवेन्यू आए, ये कोई बहुत रोल मॉडल, वो इस शहर की पहली नागरिक हैं और पहली नागरिक होने के नाते उनके जो संवैधानिक दायित्व हैं, हम तो यही मानेंगे जो भी अधिकारी हैं उनको जो भी म्यूनिसिपल एक्ट के तहत, कानून के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उसका उनको पालन करने देना चाहिए। और अगर इनको लगता है कि अधिकारी पालन नहीं करने दे रहे हैं तो इन्हें उचित फोरम में शिकायत करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके के आपसी खटपट के कारण अगर शहर की सफाई में व्यवधान होता है तो ये भी गैर उचित है। इसके साथ ही अभी होल्डिंग टैक्स और पानी टैक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ऐसा कहा जाता है जल ही जीवन है, जब पानी में इतना टैक्स होगा तो फिर और सब चीज़ की क्या उम्मीद की जाए। और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल का दाम भी घटा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या कहेंगे? आपको लगता है राज्य सरकार के अब गेंद जो है अब इनके पाले में आ गई है, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया? देखिए, जिस समय हमारी सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में तो हम लोगों ने वैट पे पेट्रोल और डीजल में 2 रुपये की अतिरिक्त छूट दी थी। इस सरकार ने पहला डिसीजन जो लिया था वो 2 रुपये की अतिरिक्त छूट को वापस लेने का लिया था और उसके बाद ये वैट बढ़ाते गए। पेट्रोल डीजल की कीमतें प्रधानमंत्री ने एक बार 10 रुपये कम की और इस बार फिर 9.5 रुपये और 7 रुपये कम किए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। हमने एक्साइज ड्यूटी हटाया है, कम किया है, लेकिन इन्होंने अपने हिस्से के टैक्स में कटौती नहीं की, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी एक कदम लेंगे पेट्रोल डीजल में कटौती में वैट में, तो हम 2 कदम लेंगे। पर वो 2 कदम तो लेते दिख नहीं रहे। सिर्फ राजनीति के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और जो होल्डिंग टैक्स और पानी के टैक्स पर ये वृद्धि कर रहे हैं तो ज़्यादा टैक्सेशन से ही रेवेन्यू आए, ये कोई बहुत रोल मॉडल नहीं होता। आपको रेवेन्यू के ऑल्टरनेटिव विकल्प भी देखने चाहिए, दूसरे जो समृद्ध इकोनॉमीज़ हैं वहाँ देखना चाहिए, वहाँ 0 टैक्सेशन पर भी इकोनॉमीज़ चलती हैं। लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू का मॉडल्स खड़ा करना चाहिए। सिर्फ जो जनता टैक्स दे रही है उसी से बार बार टैक्स लेना, उसको ज़्यादा टैक्स लेना, मुझे लगता है गैर उचित है। लेकिन जो विपक्षी है वो जो सरकार है वो कह रही है सिर्फ नाटक है, स्ट्रेटेजी है केंद्र सरकार का, 14 रुपये बढ़ाती है और 10 रुपये घटा देती है। देखिए, ये जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की डीजल की, तो उसी हिसाब से तेल कंपनियां बढ़ाती हैं और तेल कंपनियों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है वो अंतर। और ये किसने किया था? हमारे समय जब पहले की सरकारें थी तो ये काफ़ी कुछ रेगुलराइज था। जब मनमोहन सिंह बने थे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री तो ये डीरेगुलराइजेशन का कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से तय होंगी, ये यूपीए सरकार की देन है। तो अब वही फॉलो हो रहा है और अब तो ये एक रियलिटी है कि यूक्रेन में जो क्राइसिस हुआ उसके कारण गैस की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, लेकिन हम लोगों ने उसके बावजूद छूट दी है। और हम लोगों ने जो ये टैक्स का पैसा आता है उसका 42% हिस्सा
पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी होता है केंद्र सरकार कलेक्ट करती है 42% हिस्सा राज्य सरकार को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत वापस मिलता है। इन्हें तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने कोटे का काम नहीं किया। 2.5 साल हो गया हेमंत सोरेन सरकार का और 3 मर्सिडीज गाड़ियां बदल चुके हैं ऑडी Q7 भैया। मैं तो कहता हूं कि शौक बड़ी चीज है। 20% हिस्सा राज्य सरकार को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत वापस मिलता है। इन्हें तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने कोटे का काम नहीं किया। 2.5 साल हो गया हेमंत सोरेन सरकार का और 3 मर्सिडीज गाड़ियां बदल चुके हैं ऑडी Q7 भैया। मैं तो कहता हूँ कि शौक बड़ी चीज़ है। मुख्यमंत्री जी को अगर इतने अच्छी चीज़ों का शौक है तो भाई रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है कि कम से कम जो महंगे गाड़ी के शौकीन लोग हैं उनको एक ही जगह पर सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी, उनको अलग अलग शोरूम घूमने की आवश्यकता नहीं है। वो मर्सिडीज़ देखना हो, ऑडी देखना हो, बेंज देखना हो और फॉर्चूनर देखना हो, जितनी गाड़ियाँ देखनी है बस वो खड़े होकर मुख्यमंत्री के काफिले को देख लें, सारी गाड़ियाँ दिख जाएंगी। जनता का शौक कब पूरा होगा आपको लगता है? अगले इलेक्शन में जब्त होगा हेमंत सरकार का? देखिए ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल जनता ने क्या तय किया ये सबको जानते हैं। कैसा परसेप्शन बन गया इस सरकार का, कौन कहता था कि सरकार काम नहीं कर रही थी कोरोना काल में? हम तो मानते हैं खूब काम कर रही थी। मुख्यमंत्री ने माइनिंग लीज ले लिया, अपने सगे संबंधियों को माइनिंग लीज दिला दिया, उद्योग की जमीन भी अपने सगे संबंधियों को दिला दिया, और मिथिलेश ठाकुर लगातार ठेकेदारी करते रहे, बसंत सोरेन माइनिंग लीज लेते रहे, तो ये सरकार तो बखूबी काम कर रही थी। ये सरकार काम कर रही थी और मंत्रियों के 70 करोड़ के बंगले बनने के लिए फंड सैंक्शन हो गया, गाड़ियाँ आ गई, मंत्रियों के लिए फॉर्चूनर आ गया, मुख्यमंत्री के लिए तो कितनी महंगी गाड़ियाँ आई अभी आपने ही बताया। तो सरकार तो बहुत काम कर रही थी, लेकिन खुद के लिए। तो आपने देखा कि प्रतुल चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना में सरकार बार बार बहाना मारते रही है कि हमसे हमने काम नहीं किया है, कोरोना ने काम नहीं करने दिया है, लेकिन अब जितने मामले निकल रहे चाहे खनन का हो, मनरेगा का हो, इसमें सब में घोटाला हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है, साथ ही उनके जितने रिश्तेदार हैं उन सब का नाम आ रहा है। यानी काम हुआ है, बस फर्क इतना है कि काम जनता के लिए नहीं अपने परिवार के लिए हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए GN भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।